हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो से स्टार्ट कर देते हैं आपके रीट के एग्जाम की तैयारी। जो आपका रीट का एग्जाम होने वाला है उसकी आपकी हिंदी भाषा की क्लास फर्स्ट है, ठीक है। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं जो आपके रीट के एग्जाम में पूछे जाएंगे, मैं आपके सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। आज आपकी हिंदी भाषा की क्लास फर्स्ट है। जिन बच्चों ने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ली है उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। उसके अलावा देखिए, बार बार कहता हूँ, रीट का एग्जाम है, खाली एक एग्जाम है, इसको पास कर लो। इसको पास करने के बाद आपको सीधी जॉब मिल जाएगी। तो इतनी बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, इससे बढ़िया मौका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। उसके अलावा जो बच्चे पूछ रहे हैं नोट्स के लिए, तो देखो, मैं आपको मार्च में मेरे रीट के नोट्स मिल जाएंगे, क्योंकि इनको बनाने में मुझे अच्छा खासा समय लग रहा है। सीटेट के नोट्स जिस तरीके से आपको दिए थे, कितने क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे गए थे, आप सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए अगर मैं बनाऊंगा तो बेस्ट नोट्स बनाऊंगा जिससे आपको सिलेक्शन मिल सके, इसलिए इनको बनने में समय लग रहा है, लेकिन मार्च में आपको रीट के नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही आप लोग जो नए लोग आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जितना भी रीट का सिलेबस है वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर कराऊंगा, और साथ ही आपकी प्रैक्टिस भी कराता रहूंगा क्वेश्चन आंसर के थ्रू, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बात करते हैं हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की। आज आपकी हिंदी भाषा है, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए, ये सभी वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं रीट के एग्जाम में, और इनमें से ही पूछे जाने की संभावना है जो आपका रीट का एग्जाम होगा। और साथ ही आप लोग भी इनका आंसर देने की कोशिश करना, देखते हैं आप लोगों को कितना आती है हिंदी। चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया कौन सी है। पहले तो जान लेते हैं संश्लेषण विधि क्या होती है। कई बार मैं इसके बारे में बता चुका हूं, संश्लेषण और विश्लेषण विधि के बारे में। संश्लेषण विधि यानी सिंथेसिस मेथड, इसमें क्या होता है, कोई भी समस्या होगी या कोई भी गतिविधि होगी, उसको क्या काम करते हैं, उसको छोटे छोटे भागों में जोड़कर समाधान करते हैं, ठीक है। छोटे छोटे भागों में जोड़कर समस्या का समाधान किया जाता है, वो कैसे, देखिए भाई, आपको पता है रीट का एग्जाम है, रीट की आप तैयारी कर रहे हो, और मैं बार बार बोलता हूँ 120 प्लस का स्कोर तो आपको जरूर लाना है, ताकि आपको अपनी एक गवर्नमेंट सीट मिल जाए, आप लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाए। अब इतने स्कोर लाने के लिए आपने क्या काम करी, समस्या आपके सामने आ गई कि भाई इतना स्कोर तो आना है, तो आपने क्या काम किया, इसका पहले सिलेबस इकट्ठा किया, फिर उसके अलावा कुछ बुक इकट्ठी की, मान लीजिए राजस्थान बोर्ड की इकट्ठी की, फिर यूट्यूब पर देखा यार सचिन से तैयारी कराते हैं तो चलो इनसे तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर आपने समस्या को छोटे छोटे भागों में करके उसको जोड़ दिया, तो यही होती है आपकी सिंथेसिस मेथड यानी संश्लेषण विधि, जब किसी समस्या गतिविधि को छोटे छोटे भागों में जोड़कर उसका समाधान निकाला जाता है। अगर हिंदी के परिपेक्ष में देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला, वर्ण शब्द और वाक्य, ठीक है। वर्ण आपको सभी को पता है, सबसे पहली चीज आपकी वर्ण आ जाएगी, कौन से होते हैं, मान लीजिए आ गया, ई हो गया, आपके का खा, आपके चा छा, ठीक है, सा, ये सभी आपके वर्ण होते हैं। उसके अलावा दूसरे नंबर पर आ जाएगा आपका शब्द। शब्द आपको सभी को पता है, कोई भी शब्द ले लीजिए, मान लीजिए अपना नाम ले लेता हूं मैं, सचिन नाम ले दिया। और उसके अलावा वाक्य आप लोग कोई भी बना लीजिए, मान लीजिए बना लीजिए सचिन का वाक्य, सचिन सर YouTube चैनल पर रीट की तैयारी कराते हैं, ठीक है, इस तरीके से ले सकते हो। तो संश्लेषण विधि में हमने क्या काम करा, जैसे मान लीजिए हिंदी सिखा रहे हो तो पहले हमने वर्ण के बारे में जाना, यानी समस्या को छोटे छोटे भागों में जोड़कर करा, पहले इसको छोटे भागों में करा, ठीक है, वर्ण के बारे में पता करा, फिर शब्द के बारे में पता करा, और अंत में वाक्य हमने बना दिया। आंसर इसमें सही हो जाएगा आपका, पहला सही हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन की, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये आपके रीट के एग्जाम में पूछा जाता है और इसके भी पूछे जाने की संभावना है। हर्बर्ट उपागम के पद, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना, तभी आप इसका आंसर लगा पाओगे, क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। देखिए पहले बात करते हैं हर्बर्ट की, तो हर्बर्टीय विधि आप सभी को पता है, आपने पढ़ा भी होगी, हर्बर्टीय विधि के नाम से इसको जाना जाता है। मैं चाहे यहां पर लिख देता हूं हर्बर्टीय विधि, ठीक है। इसके अलावा दूसरा नाम इसका दिया हुआ है जो कई जगह पूछा जाता है, कि हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली, ठीक है, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है, हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली। अब इसमें जो हर्बर्ट थे, जैसे मान लीजिए आप लोग रीट का एग्जाम पास करते हो और जैसे टीचर बन जाते हो, अध्यापक बन जाते हो, तो टीचर बनने के बाद जब आप लोग क्लासरूम के अंदर जाओगे तो बच्चों को किस तरीके से पढ़ाओगे, यही हर्बर्ट ने इसमें बताया कि भाई आपको स्टेप बाय स्टेप ये पद यूज करने हैं ताकि आप उनको पढ़ा सको। शुरुआत में इन्होंने चार पद बताए थे, लेकिन इनके शिष्यों ने इसको मॉडिफाई करके टोटल पांच पद कर दिए थे। तो हर्बर्ट उपागम के कितने पद होते हैं, पांच पद होते हैं। आंसर तो इसमें आपका सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। अब पढ़ते हैं इन पांचों उपागम के बारे में, जहां से आपके क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो हर्बर्ट थे, आपको पता चल गया किस लिए बनाई थी, दैनिक पाठ योजना के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता। दैनिक, इसको मैं लिख देता हूं,
दैनिक पाठ योजना के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी जो डेली में जो पाठ योजना बनाते हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अब जो इसके जो पांच जो पद है उनके बारे में बात करते हैं। पहला पद है आपका प्रस्तावना, चाहे तो आप इसको साथ के साथ लिखते रहना क्योंकि राइटिंग यहां पर थोड़ी मेरी खराब आ रही है, ठीक है। पहले नंबर पर टीचर काम करता है प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंदर क्या होता है, टीचर क्लासरूम के अंदर गया, मान लीजिए उसको कोई टॉपिक पढ़ाना है, मान लीजिए पेड़ के बारे में पढ़ाना है, तो सबसे पहले चीज टीचर करेगा प्रस्तावना। ये होती है पूर्व ज्ञान से संबंधित, ठीक है। ये किससे संबंधित होती है, पूर्व ज्ञान से संबंधित होती है कि जैसे पेड़ के बारे में बताना है तो बच्चों से पूछेगा, बेटा बताओ पेड़ के बारे में जानते हो, बच्चे कहेंगे हाँ सर जानते हैं, मेरे घर के बाहर है, स्कूल के बाहर है, ठीक है, पेड़ की छाया में हम बैठते हैं। तो यानी टीचर चेक करता है पहले कि बच्चों को कितना आता है, उनके पूर्व ज्ञान को चेक करता है। उसके बाद प्रस्तावना के बाद दूसरे नंबर पर आता है प्रस्तुतिकरण, यानी कि प्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है, इसमें टीचर बच्चों को नए तथ्य बताता है, ये क्या आ गया, इसमें टीचर बच्चों को नए तथ्य बताता है, नई चीजें बताता है, नई जानकारी देता है कि चलो तुम्हें इतना तो पेड़ के बारे में बताया पता है, अब मैं बताता हूँ पेड़ के बारे में आपको और महत्वपूर्ण चीजें कि भाई कि पेड़ के माध्यम से हम जिंदा रह रहे हैं, ठीक है, जो ऑक्सीजन लेते हैं हम पेड़ के माध्यम से ले रहे हैं, पर्यावरण के लिए पेड़ महत्वपूर्ण है, तो बच्चों को हमने नए तथ्य बताए। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है आपका तुलना या फिर संबंध। इनको ध्यान से सुनते जाना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पांचों के पांचों पद कोई सा भी एग्जामिनर इनमें आपसे पूछ लेता है। तुलना या संबंध, जैसे कि इसमें नाम से पता चल रहा है, जो बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है और जो बच्चे को नए तथ्य दिए उसमें बच्चा फिर तुलना करता है या फिर संबंध स्थापित करता है, अच्छा ये चीज भी होती है इसके अंदर। उसके बाद चौथा पद होता है आपका सामान्यीकरण के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, सामान्यीकरण या फिर निष्कर्ष के नाम से इसको जाना जाता है। इनको साथ के साथ लिखते जाना, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें बच्चों को उदाहरण के माध्यम से सिद्धांत पर पहुंचाते हैं, भाई पेड़ का उदाहरण दे देंगे, चलो पेड़ मैं कंप्यूटर पे दिखा देता हूँ या आपको लाइव दिखा देता हूँ, और पेड़ के बारे में देख के उसको उदाहरण दे दिया पेड़ का, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया समझा दी बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ पर उदाहरण देकर बच्चों को सिद्धांत तक पहुंचाया जाता है, आगमन विधि का यूज किया जाता है इसके अंदर। आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है फिर नियम बताए जाते हैं। और पांचवा पद और आखिरी पद है इसका प्रयोग, यानी बच्चों को क्लासरूम में आपने जो चीज पढ़ाई है, जो चीज समझाई है, अब बारी आ गई उसका अभ्यास करने की या उसका प्रयोग करने की। इसमें टीचर क्या काम करता है, बच्चों को होमवर्क दे देता है कि भाई पेड़ के बारे में ये होमवर्क दे दिया ताकि आप इसका प्रयोग कर सके, पेड़ के बारे में और जानकारी इकट्ठा कर सको, अभ्यास कर सको। तो देखो ये जो पांचों ही पद है, पांचों आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी ये पूछ लेता है निम्न में से कौन सा हर्बर्ट उपागम का पद है, अगर आपको पांचों ही पता है तो आप लोग इजिली आंसर लगा दोगे। कभी कभी इनको क्रम में पूछ लेता है कि पहले के बाद दूसरे पर कौन सा आएगा, तो ये पांचों ही पद आपके महत्वपूर्ण है जो दैनिक पाठ योजना के लिए बनाए गए थे हर्बर्ट द्वारा, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपका कि नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रिय से है। अब देखिए मान लीजिए कोई रोल प्ले हो रहा है, नाटक हो रहा है, रोल हो रहा है, ठीक है, तो किस ज्ञानेंद्रिय का यूज होता है उसके अंदर। भाई नाटक हो रहा है, आंसर हो जाएगा इसमें आपका तीसरा, कान का यूज होगा, भाई कान के माध्यम से तो नाटक के अंदर जो चीज हो रही है उसको हम सुनेंगे। दूसरा यूज होगा आँख का, होगा आँख के माध्यम से हम लोग देखेंगे। कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे बाकी के जो सेंसरी ऑर्गन मैंने आपको बताई थी, ज्ञान इंद्रिय बताई थी, वो कौन कौन सी होती है, दो तो आपको बता दी, बाकी की बताओ। ये हो गया आपका आंसर तीसरे का तीसरा। अब बढ़ते हैं अब आपके चौथे क्वेश्चन की ओर, ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, रिमीडियल टीचिंग की ये बात यहाँ पर की गई है। एक तो होता है आपका उपचारात्मक शिक्षण, एक होता है आपका निदानात्मक शिक्षण, ठीक है, इसको लिख लो आप, रिमीडियल टीचिंग और डायग्नोस्टिक टीचिंग और आपके रिमीडियल टीचिंग। अब देखो निदानात्मक में क्या होता है, निदानात्मक में सिर्फ समस्या की पहचान होती है, भाई मान लीजिए कोई भी समस्या होती है सिर्फ उसकी पहचान होती है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचान करने के बाद फिर उस समस्या का उपचार किया जाता है, ठीक है। मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल वही, मान लीजिए कोई रोगी है, किसी को कोई रोग है, तो जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले काम क्या करता है, उसका निदान करता है, उसको डायग्नोस करता है कि भाई बता तुमको क्या क्या प्रॉब्लम है, तो रोगी अपनी प्रॉब्लम बताएगा। जब रोगी की प्रॉब्लम को पता कर लेता है, उसका निदान कर लेता है, फिर डॉक्टर क्या काम करता है, उसका उपचार करता है। कभी ऐसा तो नहीं होता कि डॉक्टर के पास रोगी गया और जाते उसको इंजेक्शन दे दिया, गोली दे दी, उसके बाद पूछेगा हाँ भाई बताओ तुझे क्या समस्या है, नहीं, पहले समस्या की पहचान होगी। जैसे एक टीचर समस्या बच्चे की समस्या का पहचान करता है, उसका निदान करता है, और निदान करने के बाद फिर उसका उपचार करता है। समझ गए आप दोनों के बारे में, दोनों ही महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं क्वेश्चन को, ऑप्शन पढ़ते हैं। सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना, देखो
जो भी सीखने से संबंधित कठिनाई है, प्रॉब्लम है, समस्या है, उनका ज्ञान प्राप्त करना, ये मैंने आपको बताया था निदानात्मक के बारे में, ठीक है, यानी निदान किया जाता है। तो ये तो आपका होने से रहा। दूसरे नंबर पर है अध्यापन संबंधी कठिनाई को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना, ये हो गया आपका उपचारात्मक शिक्षण, आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कि यहां पर कठिनाइयों को दूर करके शिक्षण किया जा रहा है, आंसर आपका दूसरा सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है। अब क्वेश्चन को देखते हैं, फिर उसके बाद आंसर आप लोग खुद लगा देना। देखिए वाक्य के अगर मैं भेद बताऊं तो वाक्य के दो भेद किए गए हैं। तो पहला तो भेद किया गया है रचना के आधार पर या फिर संरचना के आधार पर, ठीक है, और दूसरे नंबर पर जो भेद किया गया है वो किया गया है अर्थ के आधार पर। दो आपके भेद किए गए हैं वाक्य के। अब इसके अंदर पहले पढ़ते हैं रचना के आधार पर भेद, और सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में भी यही पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं अर्थ के आधार पर भी आपको बता दूंगा, फिलहाल पढ़ते हैं रचना के आधार पर। देखिए रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये तीनों ही आपके होते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लो ताकि आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये तो आपको पता चल गया कि कितने भेद होते हैं, तीन होते हैं, आंसर इसमें सही ये हो जाएगा क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा प्रकार नहीं है, तो आंसर ये सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत है, ठीक है। अब देखिए पहले पढ़ते हैं सरल वाक्य के बारे में। इसमें क्या होता है कि जिस वाक्य में सिर्फ एक ही मुख्य क्रिया हो, इसको मैं लिख देता हूं कि जिस वाक्य में सिर्फ एक ही मुख्य क्रिया होती है वो होता है आपका सरल वाक्य। जैसे कि अगर मैं लिख दूं मैं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, ये मैंने एक वाक्य लिख दिया, ठीक है, कि मैं लिख रहा हूं, तो इसमें क्या हो जाएगा, लिखना क्या हो जाएगा आपका, ये आपका सरल वाक्य हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारी की सारी इसमें क्या हो रही है, एक मुख्य क्रिया क्या है, लिखना हो रही है। जैसे मैं एक और क्वेश्चन बोलूं, आप पढ़ रहे हो, तो इसमें क्या हो जाएगा, पढ़ना हो जाएगा, आप पढ़ रहे हो, जो लोग वीडियो देख रहे हो आप लोग पढ़ रहे हो, तो आप लोग समझ गए सरल वाक्य है कि इसमें सिर्फ एक मुख्य क्रिया होती है। सरल वाक्य के बाद दूसरे नंबर पर देखते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि जिन वाक्यों को योजक शब्दों से जोड़ा जाता है, ठीक है, जिन वाक्यों को योजक शब्दों से जोड़ा जाता है, संयुक्त यानी मिलाकर, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन लिख दूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, ये लिख देता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हो, ये मैंने एक वाक्य लिख दिया। अब इसको ध्यान से समझते जाना, मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हो। अब यहां पर दो वाक्य है, मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हो, और इसको मैंने किसके माध्यम से जोड़ दिया, और के माध्यम से जोड़ दिया, तो जो और है ये क्या हो गया, योजक हो गया। तो संयुक्त वाक्य आप समझ गए कि जिन वाक्यों को योजक के माध्यम से जोड़ा जाता है, और के माध्यम से जोड़ दोगे, अतः के माध्यम से जोड़ दोगे, अतः के माध्यम से, कैसे, जैसे भाई पेपर नजदीक है अतः आपको मेहनत करनी चाहिए, ठीक है, अथवा के नाम से इसको जोड़ दोगे, जो आपके अलग अलग जुड़ते हैं, किंतु परंतु के नाम से इसको जोड़ दोगे, तो ये होते हैं सब आपके संयुक्त वाक्य। उसके अलावा तीसरे नंबर पर बचा आपका मिश्र वाक्य। इसमें क्या होता है, यहां पर एक ही मुख्य वाक्य होता है लेकिन जो बाकी वाक्य होते हैं उस पर आश्रित होते हैं, उस पर डिपेंडेंट होते हैं। वो कैसे होते हैं, इसको देखिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। ये ऐसा होगा कि यदि मैं मेहनत करता, यदि, सॉरी ये क्या हो गया, यहां लिखता हूं कि यदि मैं मेहनत करता, और मेहनत कर लो सीधी भर्ती आपकी, ठीक है, सीधा जॉब मिल जाएगी, बाद में ये वाला डायलॉग मत लिखना जो मैं लिख रहा हूं। यदि मैं मेहनत करता, ये पूरा सेंटेंस इस पर आ जाएगा, देखिए इसको मैं लिख देता हूं, यहीं पर लिख देता हूं कि यदि मैं मेहनत करता तो सफल हो जाता, तो सफल हो जाता, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यदि मैं मेहनत करता यानी कि अगर मैं मेहनत करता तो सफल हो जाता, मुख्य वाक्य जो है, ठीक है, वो उस पर आश्रित है। यहां पर यदि हो गया आपका, यहां पर क्या हो जाएगा, आपका मिश्र वाक्य का संकेत हो जाएगा, ठीक है, समझ गए आप इसको। उसके अलावा और भी इसकी पहचान करनी हो तो वो भी आप देख सकते हो, जैसे जब तब, इनको आप चाहे आप लिख सकते हो, कब लिख सकते हो, क्योंकि लिख सकते हो, ठीक है, ये सब क्या होते हैं आपके मिश्रित वाक्य की आपकी पहचान होती है, ठीक है। तो यदि मैं मेहनत करता तो सफल हो जाता, ये आपका हो गया मिश्र वाक्य। देखो तीनों ही आपके महत्वपूर्ण है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, तीनों ही मैंने आपको बता दिए वाक्य के वर्गीकरण के आधार पर बता दिए थे। क्वेश्चन आपके सिंपल आते हैं रीट के एग्जाम में, लेकिन मैं चीज आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूं ताकि कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए आप उसका इजिली आंसर दे सको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अब देखो संधि के ऊपर मुझे डिटेल में एक वीडियो बनानी पड़ेगी पूरी, उसमें मैं आपको पूरा संधि का चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि इसमें नहीं बता पाऊंगा क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी।
फिलहाल इसमें सिर्फ आप इसका संधि विच्छेद बताइए। पवन का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा पो जमा अन, आंसर हो जाएगा इसमें आपका तीसरा। बाकी जितने भी वीडियो के अंदर मैं आपको संधि बता दूंगा और जो जो महत्वपूर्ण संधि विच्छेद है वो भी आपको वीडियो में बता दूंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और राजस्थान की बोर्ड की किताबों में से भी कंटेंट ले दूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सारा कंटेंट एक साथ मिल जाए। बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि कौन सी है? हिंदी भाषा शिक्षण की विधि बतानी है। पहली अनुकरण विधि, ये भी होती है भाई। अनुकरण का मतलब क्या होता है? कॉपी करना। जैसे भाई जो आप लोग वीडियो देख रहे हो, जैसे मैं भी हुआ या छोटा बच्चा होता है, जब किसी भाषा को सीखता है, आप लोगों ने जो भी अपनी मातृभाषा सीखी होगी, अपने परिवार वालों से सीखी, मम्मी पापा बहन भाई जो बोलते थे उसको कॉपी करके उसको अनुकरण करके हम सीख गए। तो हिंदी भाषा शिक्षण की विधि अनुकरण विधि तो होती है, पहला आंसर से हो गया। आगमन और निगमन विधि भी होती है, ये भी से होता है भाई। आगमन और निगमन विधि में क्या होता है? आगमन में पहले बच्चों को उदाहरण दिए जाते हैं, इसको मैं यहां लिख देता हूं। आगमन विधि में बच्चों को पहले उदाहरण दिए जाते हैं और उदाहरण देने के बाद बच्चों को नियम बताए जाते हैं। लेकिन जो निगमन विधि है ये सेम इसका अपोजिट होती है। निगमन विधि में पहले बच्चों को नियम बताए जाते हैं और नियम के बाद उनको उदाहरण दिए जाते हैं, ठीक है। ये तो ये भी होती है आपकी हिंदी भाषा शिक्षण की विधि। दूसरा ही भी आपका से हो गया भाषा प्रयोगशाला विधि, ये भी हो जाएगी। तो आंसर इसमें आपका तीस चौथा से हो जाएगा। यानी ये सभी क्या है? ये आपकी हिंदी भाषा शिक्षण की आपकी विधि है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है। अब देखो इसके ऊपर भी मुझे डिटेल में आप लोगों के लिए एक वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि शिक्षण कौशल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे प्रस्तावना कौशल, प्रदर्शन कौशल, श्यामपट कौशल और भी सारे जितने भी कौशल है ये सब आपके शिक्षण कौशल है। तो जो इनका जो यूज किया जाता है वो क्लास के अंदर भी किया जाता है और क्लास के बाहर भी किया जाता है। तो आंसर इसमें से हो जाएगा आपका थर्ड से हो जाएगा, ए और बी दोनों है। बाकी डिटेल में जब वीडियो बनाऊंगा तो ये आपका पूरा चैप्टर में इसमें आपका कंप्लीट करा दूंगा। बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, एक लोकोक्ति दी हुई है, एक नंबर की लोकोक्ति देखने को मिलती है, जो जो महत्वपूर्ण है वो सभी मैं आपकी कंप्लीट करा दूंगा। ये वाली लोकोक्ति दी हुई है कि अंधे के हाथ बटेर लगना, तो जो इसका आंसर से हो जाएगा फोर्थ, कि बिना परिश्रम के या बिना मेहनत के अयोग्य व्यक्ति को सुफल की प्राप्ति। यानी जो बिना मेहनत के आदमी को सफलता मिल जाती है उसी लोकोक्ति, यही होता है लोकोक्ति का अर्थ कि अंधे के हाथ बटेर लगना। मान लीजिए कोई दसवीं पास है, ठीक है, या सिर्फ बारहवीं पास है और उसको गवर्नमेंट जॉब मिल गई, और मान लीजिए कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाई, तो जिसको गवर्नमेंट जॉब मिल गई इसका क्या हो जाएगा कि बिना परिश्रम के व्यक्ति को सफलता मिल गई। जैसा अभिषेक बच्चन को ऐश्वर्या राय मिल गई, ठीक है, तो मेहनत उनके पिताजी ने करी थी, इतना नाम कमाया, लेकिन लेकर कौन चले गए? अभिषेक बच्चन लेकर चले गए उनके फेम के ऊपर, ठीक है। तो ये आपकी लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा। बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए एक नंबर का क्वेश्चन आपके समाज से पूछा जाता है, इसके ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये आपके ऐसे चैप्टर है इनको मैं इतनी जल्दी नहीं समझा सकता, इसको डिटेल में समझाना पड़ेगा, आपको एग्जांपल देने पड़ेंगे तभी आपके समझ में आएंगे। फिलहाल देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान होते हैं तो उसको क्या कहते हैं। अब बेसिकली यहां पर बात हो रही है, देखिए आपको इसको चाहे आप लिख लीजिए, पहला द्वंद्व समास की बात हो रही है। जो द्वंद्व समास होता है इसमें आपके दोनों ही पद प्रधान होते हैं और अगर उनको विग्रह करोगे, अलग करोगे, तो क्या निकल कर आता है? और आएगा। इनको आप चाहे लिख सकते हो, अभी मैं समझाऊंगा आपको कैसा आएगा ये, ठीक है। और, अथवा, या, तथा, इस तरीके के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख दूं आपको, सुख और दुख, ये आपको मैंने एक द्वंद्व समास का एग्जाम्पल लिख दिया, सुख दुख लिख दिया, ठीक है। अगर हम इसको विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? सुख और दुख हो जाएगा आपका, ठीक है। सुख और दुख, आपका दुख नहीं होगा मतलब वैसे दुख हो जाएगा, आप लोगों को हमेशा खुशी मिले। उसके अलावा एक और एग्जांपल लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? देश विदेश लिख सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा एग्जांपल लिख दिया मैंने, देश विदेश। अब अगर इसका भी विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा? देश और विदेश हो जाएगा। अब देखो इसको आप अगर आप एक ट्रिक के माध्यम से याद करोगे, इसको ट्रिक के माध्यम से आप ऐसे कर सकते हो कि जो दोनों शब्द होते हैं, जो दोनों शब्द जो प्रधान होते हैं ये एक दूसरे के विपरीत देखने को मिलते हैं ज्यादातर। जैसे सुख का उल्टा क्या होगा? दुख होगा। देश का क्या होगा? विदेश होगा। इसके अलावा और एग्जांपल लिख सकते हैं, माता पिता देखने को मिलता है, ठीक है, तो माता का उल्टा पिता हो जाएगा, ये भी देखने को मिलता है। अच्छा एक और पूछा गया था, इसको कहां पर लिखूं, जगह नहीं बची, यहां पर लिख लेता हूं नए सिरे से, हरिहर, ठीक है। हरिहर में कौन सा समास है?
द्वंद समास है, इसको आप लिख सकते हो। हरि का मतलब विष्णु और हर का मतलब शिव, ठीक है। तो समझ गया आप द्वंद समास के बारे में कि जिन समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वो होता है आपका द्वंद समास। बाकी इसके ऊपर डिटेल में वीडियो जल्दी आने वाली है, आप लोग उसको देख लेना, आपका समास का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त क्या है। अब देखो अनुकरण विधि आ गई, मैंने आपको ऊपर ये भी बताई थी क्वेश्चन में क्या होता है, किसी जिसमें कॉपी के माध्यम से, ठीक है, किसी भाषा को सीखा जाता है या किसी काम को किया जाता है कॉपी के माध्यम से, इमिटेट के माध्यम से। तो अनुकरण विधि के लिए रचना के लिए सबसे उपयुक्त जो रहेगी तो आंसर इसमें से हो जाएगा आपका थर्ड, प्रारंभिक स्तर पर रहती है। जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चा सिर्फ कॉपी करके ही चीजें सीखता है, अनुकरण करके चीजें सीखता है। आपके घर में भी बच्चे होंगे, वो आपको कॉपी करते होंगे, आप जो बोलोगे वो भी वही बोलेंगे, आप जो उनको जैसा कहोगे वैसे ही वो फॉलो करेंगे, ठीक है। तो प्रारंभिक स्तर पर जब बच्चा होगा, छोटा बच्चा होगा, उसके लिए अनुकरण विधि आपकी बढ़िया मानी जाती है, ठीक है। तो अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है प्रारंभिक स्तर पर। चलिए 11वें का हो गया आपका, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका वचन से संबंधित, एक नंबर का क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है कि एक वचन कौन सा है, बहुवचन कौन सा है, इसमें से एक वचन को बहुवचन में बदले, इसके ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो लाऊंगा, जितने भी महत्वपूर्ण एक वचन बहुवचन वाले हैं सभी कंप्लीट करा दूंगा। फिलहाल बताइए कीमत का बहुवचन क्या होगा। देखो सिंपल सा आंसर है, कीमत का बहुवचन होगा कीमतों, ठीक है, आंसर आपका सेकंड से हो जाएगा। जो वीडियो बनाऊंगा उसमें जितने भी वीडियो बनाऊंगा, समास, संधि, आपके वचन, आपके लिंग, ये जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है इनको मैं ट्रिक के माध्यम से आपको ऐसे सिखाऊंगा, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और बेसिकली आप जो रीट का एग्जाम दे रहे हो ना, तो रीट का जो लेवल होता है बहुत ही आसान आता है, थोड़ा बहुत आप मीडियम लेवल तक कर सकते हो, हार्ड इसमें बिल्कुल नहीं करना, बस आपको थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए, आप रीट में अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, वो आपको बताना है। देखिए इसमें अगर चाहे तो आप लोग मेरी एक ट्रिक यूज कर सकते हो, जो जब मैं भी एग्जाम देता था तो ये इस ट्रिक का यूज करता था। ट्रिक कैसी है, वो ट्रिक है मेरा और मेरी। अब ये कहोगे सर ये कैसी ट्रिक है, ये ट्रिक है भाई, अगर किसी शब्द से पहले आप मेरा और मेरी लगाकर देखोगे और जो फिट बैठ जाएगा वही आंसर से हो जाएगा। जैसे कि अब सेवा से पहले मेरा लगाओ, मेरा सेवा तो होता नहीं है, मेरी सेवा होती है, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा आपका भाई, स्त्रीलिंग हो जाएगा। भाषा से पहले लगाओ, मेरा भाषा तो नहीं होती, मेरी भाषा होती है, तो ये भी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। प्रयोग से पहले लगाओ, मेरा प्रयोग आपका सही हो जाएगा भाई, मेरा प्रयोग होता है, मेरी प्रयोग तो नहीं होता, तो ये आपका क्या है, ये आपका स्त्रीलिंग नहीं है, आंसर यही से हो जाएगा। हिंदी से पहले लगाओ, मेरा हिंदी नहीं होता, मेरी हिंदी होती है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो, मेरा मेरी करके याद कर सकते हो। बाकी जो डिटेल में वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर मैं आपको और ट्रिक बताऊंगा और महत्वपूर्ण आपके वर्ड बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपका एक नंबर ये भी पक्का हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, जमीन का पर्यायवाची नहीं है। अब देखो एक नंबर का पर्यायवाची पूछ लेगा आपसे, एक नंबर का आपको विलोम शब्द पूछ लेगा, लोकोक्ति पूछ लेगा, एक नंबर का मुहावरा पूछ लेगा, मतलब इस तरीके से एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब मैं क्या काम करता हूं, जितने भी महत्वपूर्ण पर्यायवाची है, जितने भी महत्वपूर्ण विलोम शब्द है, उन सभी के ऊपर अलग अलग करके डिटेल में वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, जो रीट का एग्जाम देने वाले हो। जितने महत्वपूर्ण आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं और मोस्टली जो रिपीट होते रहते हैं, पर्यायवाची, विलोम शब्द, लोकोक्ति वगैरह, उन सभी को वीडियो के अंदर इंक्लूड कर दूंगा। मैक्सिमम चांस रहेंगे आपके वही से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर आपको याद ही करने पड़ेंगे पर्यायवाची, इनके अंदर आपको ज्यादा ट्रिक यूज नहीं करेगी। देखिए सिंपल सा आपका, जमीन का पर्यायवाची नहीं है, इसमें देख लीजिए भाई आप, भाई पृथ्वी भी जमीन का पर्यायवाची होती है, ठीक है, धरती भी पर्यायवाची होती है, धरणी भी पर्यायवाची होती है, विटप नहीं होती, तो आंसर आपका यही सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा कौन सा पर्यायवाची नहीं है। चाहे तो जमीन के आप और भी लिख सकते हो, जमीन के और पर्यायवाची होते हैं, भू बोलते हैं, ठीक है, धरा भी बोला जाता है, वसुंधरा बोला जाता है। अब जो रीट का एग्जाम दे रहे हो आपको पता है ना वसुंधरा राजे जी, ठीक है, तो उनसे कनेक्ट करके कर सकते हो। भूमि बोला जाता है, भूमि भी इसको कर सकते हो, वसुधा बोला जाता है, ये जमीन के पर्यायवाची होते हैं। अभी तो मुझे इतने याद आ रहे हैं, जब वीडियो बनाऊंगा तो बाकी सारे ऐड भी कर दूंगा, तो ये सभी जमीन के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन जो विटप होता है ये जमीन का पर्यायवाची नहीं होता, जो विटप होता है ये पेड़ का यानी वृक्ष का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो आंसर आपका यही से हो जाएगा, बाकी आपके जमीन के पर्यायवाची है। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर, ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना, समझने वाला क्वेश्चन है। निम्न में से अव्यय कौन से है, आपको अव्यय बताने वो कौन से है। देखिए पहले तो जान लो अव्यय होते क्या है, उसके बाद बताएंगे कि इनमें से कौन सा है। अगर मैं अव्यय की बात करूं,
इसको देख लीजिए, ये वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता, यानी कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इसमें आप लिख सकते हो लिंग वचन कारक वगैरह, ठीक है, इनके कारण कोई भी परिवर्तन इनके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। ये एक ऐसे शब्द होते हैं, जैसे अगर मैं आपको कोई एग्जाम्पल दू, मान लीजिए एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको किंतु देता हूं, ये मैं लिख देता हूं यहां पर एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, किंतु का एग्जाम्पल दिया। अब किंतु का आप लिंग बदल कर देख लो, नहीं बदला जाएगा। वचन बदल कर देख लो, नहीं बदला जाएगा आपको, ठीक है। इसके अलावा जब देता हूं, जब का बदल कर देख लो, तब देख लो, लेकिन हो गया, ठीक है, इधर उधर हो गया, इधर उधर हो गया, ये भी आप लिख सकते हो। इनका बदल कर देख लो, इनका ना तो लिंग वचन बदला जाएगा ना इनका वचन बदला जाएगा, यही होते हैं आपके अव्यय होते हैं, ठीक है। तो अव्यय कौन से होते हैं? वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें जो आंसर से हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका पहला एक, ठीक है। इसका चाहे आप लिंग बदल लीजिए, वचन बदल लीजिए, एक एक ही रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 15 क्वेश्चन आज की वीडियो के अंदर मैंने लिए थे, लेकिन 15 से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक भी मैंने आपको बता दिए थे जो बताने लायक थे। उसके अलावा नेक्स्ट क्लास मिलेगी क्लास 2 जल्दी मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज आपकी ऑफलाइन क्लास थी क्योंकि नेट की प्रॉब्लम हो गई थी, क्लास बीच में रुक गई थी, लेकिन उसके बाद ऑनलाइन क्लास आपको जल्दी मिला करेगी मेरे यूट्यूब चैनल पर। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपका पूरा सिलेबस रीड का कंप्लीट करा जाएगा चैनल पर। और क्लास 2 में मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना पढ़ते रहना और कोई बुक मत लेना, पूरा कंप्लीट मैं कराई दूंगा यूट्यूब चैनल पर, और नोट्स भी आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। बस माइंड के अंदर 120 प्लस का टारगेट इसको हमेशा रखना, इससे नीचे मत लाना, इससे ऊपर लाओगे तभी अपने एक सीट लेकर चले जाओगे। तो इतना मुझे लगता भी आप लोग लेकर आ जाओगे, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम है नहीं है रीट का, ठीक है। बस आपको पढ़ना चीजें ज्यादा है, लेकिन आसान और मीडियम लेवल तक सिर्फ आपको पढ़ना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे क्लास 2 के साथ, तब तक आप लोग अपना पढ़ते रहिए। थैंक यू, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।